सवरिया हो भोले बाबा जोगिया हो राम अच्छा साथियों यमडी म्यूजिक जखनिया गाजीपुर के सौजन्य से बड़े भैया अजीत यादव की देखरेख में एक बड़ी दर्दनाक घटना जिससे एक ही परिवार के 6 लोगों के हताहत होने की खबर पाकर मन बड़ा दुखित हुआ। साथियों सोचने पर मजबूर हो जाता है आदमी कि आज के इस कलंकित कलयुग में क्या ऐसे लोग भी हैं जिसने अपने खुद के रिश्तों को शर्मसार करने का काम किया है। सीतापुर कांड के रूप में एक और बेहतरीन गीत आप लोगों के बीच में मैं भेजने का काम कर रहा हूं। आशा है कि आप लोग वही प्यार दुलार देंगे जो पिछले कार्यक्रम से देते आ रहे हैं। भूमिका से भाव लिया गया है मास्टर साहब। हाय सुरक्षित भला कौन तेरे जहां में तौर दुश्मन की बातें भी लगती पुरानी आज अपने ही हैवान है इस कदर ना बचेगी किसी की भी दिल भर निशानी कब कहां मौत निश्चित है किसकी धरा पर खुद खुदा जान पाया न खुद की खुदाई रुक गई है कलम मैं लिखूं क्या भला रो के रुकती न है सीतापुर की जुदाई साथियों दुनिया में धन बहुत कुछ है लेकिन आए सुनने वाले साथियों दुनिया में सब कुछ धन नहीं है। बिरहा में एक ठक कव्वाली लगल मार साहब हमारे संगे रहे वाला एक आदमी है मार साहब विवेक यादव उनसे कौनो लड़की पूछ दिलस कहला कि कहियो प्यार कैले हुआ हम संगे रही हमारे हंसी छूट गई। हम कहिए नन्ना के आगे ननियोरे को बखान तो लैकिया से बतावा लगना हमरे संगे का कहना कि ऐसा पहली अरे ऐसा पहली बार हुआ है हिंदुस्तान के धरती पर मास्टर साहब 30% लोग ऐसा हो जे के खुद पता ना कि हम सही करते कि गलत करते हिंदुस्तान में अव्यवस्था फैलाने वाले लोग वही हैं उनके लिए भाव लिखा गया है कैसे जिसको कभी ना ज्ञान हुआ है ज्ञान हुआ
हुआ उसका ही अपमान हुआ है, मास्टर साहब नशा अगर गौले को हो जाए, नशा बजौले को हो जाए, नशा पढ़ले लिखले को हो जाए, नशा पियले को हो जाए नहीं, अगर नशा ये कुल चीज को हो जाए तो आवे वाली पीढ़ी सुधर जाले। लेकिन यही के ठीक उलट हमारे मिथिलेश भैया कहते हैं कि नशा पियले को हो जाए, नशा घर का संपत्ति बेचले को हो जाए, नशा लवंडिया बाजी को हो जाए, तो ऐसे ऐसे भी आवे वाली कई पीढ़ी खत्म हो जाले। नशा का हो नजम का लाइन मार सकते नशा की दो विधाओं की यही इनायत है, नशा की दो विधाओं की यही इनायत है, एक से घर बसे परी एक से कयामत है। कहानी का भाव स्थल कहाँ से लिया गया? कहाँ से? सीतापुर में एक गांव पालापुर सही, बाबू वीरेंद्र सिंह घराना है मशहूर सही। सावित्री को पाकर वीरेंद्र सिंह निहाल हुए, अजित अनुराग गोदी के सुंदर दुलाल हुए। विरासत घर की जो जमीन खानदानी है, पिताजी खेत पर करते रहे किसानी है। करूंगा खेती लेकिन बच्चों को पढ़ाऊंगा, करूंगा खेती लेकिन बच्चों को पढ़ाऊंगा, बनेगा जो जैसा उसी को वही बनाऊंगा। कहानी के समझ ले बोले, कहानी का उन्मान हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सटा एक जिला सीतापुर से लेहल गल। सीतापुर में सीतापुर जनपद से 70 किलोमीटर के दूरी पर एक गांव, जौने गांव का नाम बतायल गल पलहापुर। पलहापुर का रहे वाला के है बाबू वीरेंद्र सिंह, रहीस खानदानी राजपूत हवन, सारा चीज विरासत में मिलल है, कोनो चीज का कमी ना है। बाबू वीरेंद्र सिंह का शादी भइल है कैसे? सावित्री सिंह से। सावित्री सिंह से जब शादी भइल है तब वीरेंद्र सिंह और सावित्री सिंह के संयोग से दूठे लड़का बहिना, बड़ा लड़का का नाम अजीत सिंह और छोटा बेटा का नाम अनुराग सिंह बतावल गल। सब कुछ बड़ा अच्छा चलत हो, खेती किसानी बढ़िया हो, विरासत में लगभग 150 बीघा जमीन मिलल है। कैसन गांवपुर में हल्ला हो, बिरहा में एक तर्ज लगे थे मास्टर। मास्टर कौनो मेहरारू अपने मरद का कमी पाई गई, कमी उ कहीं बहरी मजा मारत रहे, तो जब घर का कौनो काम कर तो बड़ा रिसियाई के कर, धनिया लेके मसाला पीसे गई, तब पीसत लोढ़वा से धनिया रहा, लेकिन मरते के सोच सोच कूटे बड़ी जोर जोर। वह कहले रहा, का कहले रहा मास्टर? मन करे मन करे सिलवट पलो से कुछ भी जवानी लजऊं।
लेकिन गांवपुर के माहौल में उनकर भावा रुतबा का है। हाट बबुआनी खानदानी देवर शान सजे पहचान कौने रूप में है। हाँ मैं आदर्श एक, अरे हाँ मैं आदर्श एक किसान पर दे खेती कौनो सामान्य तरीका से ना होत बा। खेती इतने विधिवत ढंग से करत हो मास्टर साहब कि राज्य सरकार द्वारा एक बार ना कईयों बार उनके पुरस्कार मिल चुकल है। पूरे क्षेत्र के किसान जाकर के बाबू वीरेंद्र सिंह से खेती का सहूर सीखत हुए और अपन हूँ खेती करे का तरीका जानत हुए। दोनों लड़कन के लेके बड़ा खुश हुए, सपना सजावत हुआ कि हम तो भले खेती करते थे लेकिन लइकन के पढ़ाई के कौनो योग्य बनाई। का सपना सजावत हुआ बिरहा में एक तर्ज है। अरे पहली रात पायल तोड़ला दूसरी रात बाली हो, तीसरी रात झुमका झुलनी तोड़ला हाली हाली हो, नया नया
वीरेंद्र सिंह सपना का सजावत हुआ कि सपना सजावे बाबू मन में बड़ी यारो धीरे दोनों लइकन का उम्र 17-18 साल का भइल है। लइकन के तैयारी करावे बदे पढ़ावे बदे बिल्कुल उत्साहित हुआ। लइका के कहाँ पढ़े बदे भेजत हुआ कर के पढ़ाई अइले आज इलाहाबाद हो समय कितना कभी तले 6 बरिस इलाहाबाद में तैयारी कैल फिर ओकरे बाद 2 साल बदे दिल्ली गई ना यूपीएससी का तैयारी करे बदे लेकिन लेकिन नहीं पूरा भइल मन के मुराद हो अपने खेती किसानी में रहते हुए दोनों लड़कन के पढ़ाई बदे के अलग अलग जगह भेजना है। अनुराग सिंह के इलाहाबाद भेजना, इलाहाबाद के बाद दिल्ली गई ना, लेकिन मास्टर सफलता ना मिलन। 8 साल तैयारी कैले के बाद घर में अल हाँ विरासत में जौन खेती मिलल है वही खेती में अपन दिमाग लगावल चाहत हूँ। बाबूजी से कहना कि बाबूजी हम खेती थोड़ा टेक्निकल तरीका से कैल चाहत है। बाबूजी कहना कोनो बात ना है, खानदानी जमीन है, एकर भी रक्षा कर बहुत जरूरी है। लेकिन जब उम्र धीरे धीरे दोनों जानी का 22-24 साल भइल है, बाबूजी का ध्यान गयल है कि खाली खेती किसानी में हम मशगूल है, लइकन के ऊपर भी ध्यान देत हूँ। का समझ में उनके आयल है बिरह में तर्ज मर सर कौनो लड़की का शादी भइले मार साहब आ शादी भइले के बाद ओकरे नैहर से कौनो खोज खबर लेवे वाला ना आइले। लड़की कहत है पत्र में का कहत है कि झकहू न आइल मइरे कुकुर बिलार में न सुना मैं ना सुना तने क्यों नहीं मैहर में हमार मैं ना सुना तने लेकिन
अपने दोनों बेटन के ऊपर जब निगाह गई ले बाबूजी का कैले का बाबूजी जब फेर लाए अपने घर पर निगाह परिवारवा में होई कब दोनों के बिया एक अच्छा घर पर देख के अपने दोनों लड़कन का शादी कहना है तो भयल का दुई बेटी एक बेटा भैला अनुराग के लड़कन का शादी कैले के बाद मास्टर परिवार में सब कुछ सही चला था लेकिन छोटा बेटा के काकी ना खेती में स्टेबलिस्ट करावे बदे बैंक से लोन लेना है कितना 28 लाख का 28 लाख का लोन लेके छोटका बेटा के खेती में जो नंगतन खड़ा कर देना शादी भइले प्रियंका सिंह थे उनके संयोग से दो बेटी एक बेटा भइला सब कुछ सही चला था जब खेती में खड़ा भइला है तो मास्टर अपने लड़की लड़कन के पढ़ावे बदे अनुराग सिंह लखनऊ के सरगम अपार्टमेंट में एक ठे फ्लैट लेना है 1 करोड़ रुपया में एक फ्लैट लेके अपने बीबी और दोनों बच्चन और बेटा के स्थापित कर दिले वहाँ लखनऊ में यहर के बात यहर छोड़ा लेकिन धीरे धीरे परिवार में का होता एहर जोन खेती किसानी से पैसा ज्यादा आवा लगल तो संगत खराब होए लगल अनुराग सिंह का करे का लगना दारू पिए लगना और धीरे धीरे ये खबर उनके परिवार में उनके पिताजी के चलल है जब परिवार में पिताजी के बात मालूम चलल है कि लड़का हमार दारूबाज हो गल है तो एक दिन बोलौला कहना बेटा तनी यहरवा उनके बैठाई के समझावत हूँ का समझावत हूँ एक धुन लगत है मास्टर मास्टर साहब गीत हमरे बिरहा धर्म सम्राट विजयलाल गुरुजी के सुपर हिट कैसेट का सुपर हिट गीत रहल बड़ा हड़कंप मचौले रहा वो समय कैसे खड़ी बात सुनो हमारा गुरिया आके बैठ जा चल रहा है हमारे गुरु जी का एक लाइन जब जब कहबू फेर लगाई जब जब कहबू हरन दबाई ले चल यूपी बिहार गोलिया के बैठ जा लेकिन बाबूजी अनुराग सिंह के बुलाए के का कहत हुए बिगड़ल रहनिया तोहार कैसे घरवा चलैबा बिगड़ल रहनिया तोहार कैसे घरवा चलैबा
भले लाखों करोड़ों कमाला लेकिन संगत खराब हो जाई तो का करबा। रुपया भले लाखों कमाई बा दवा दारू में रोज उड़ाई बा। रुपया लाखों भले कमाई बा दवा दारू में रोज उड़ाई बा। रोज यहाँ जिंदगी बेकार कैसे भरवा चलाई बा। बाबूजी बोलाई के अनुराग सिंह के बहुत समझावत हुआ कि दारू का नशा ठीक ना है, ऐसे परिवार का रेपुटेशन खराब हुई। लेकिन जेके आदत पड़ गई है मास्टर वो छोड़ ना पाइए के। कितनों समझौले के बाद अनुराग सिंह मानत ना हूँ। जब मानत ना हूँ तब परिवार में धीरे धीरे रार होखे लगल। कौने चीज के लेके उ लोन वाला पैसा जो 28 लाख ले हल है। बड़का भाई जो शिक्षक हो गल पेशा से वो बार बार परेशान करत हो बाबूजी के कि इनकर नियत ठीक ना हो, रोज दारू पियत हो, परिवार के बहुत नुकसान करत हो। लेकिन जब ना मनना है तो यही खुन्नस में बाबूजी ये दुनिया के छोड़ के चल गई ना। आ जब बाबू वीरेंद्र सिंह ये दुनिया के छोड़ के चल गई ना है, दोनों बेटा अपने अपने रास्ते हो गई ना। आ जब अपने अपने रास्ते हो गई ना तो रोज एक ही बात के लेके रार हो रहा बा कि आखिर वो लोन वाला पैसा भराई कैसे। आए दिन परिवार में रोज साझे सवेरे झगड़ा होखे लगल। आ झगड़ा होखे लगल तो बात बढ़े लगल विदेशिया में भाव मास्टर साहब। कि लोन वाले पैसा खातिर होला रोज झगड़ा हो, खिचतनी होखे लागल बढ़ लागल बतिया। रोज रोज एक ही हो बतिया का जिद कर, बेच के जमीन भारी जत दौलतिया। जो बड़ा भाई है पिताजी ने अपने नाम पे जो 5 बीघे की जमीन सुरक्षित कर रखे थे। बड़ा भाई अजीत सिंह बार बार एक ही बात को जिद कर रहा है कि जो पिताजी के नाम की जमीन थी उसको बेच करके 28 लाख रुपए बैंक का लोन भर दिया जाए। लेकिन माताजी जो सावित्री सिंह हैं और बेटा अनुराग कहते हैं कि हमन मेहनत कर जाए, पैतृक संपत्ति है ये बेच के ना भरल जाए, हमन खेती किसानी से भरल जाए। बात भी सही रहा लेकिन बड़ा भाई के समझ में ना आवत है। करत का योजना बनावे लागल, बदमाशन के बोलावे लागल, मौका का तलाश कर लागल तब घटिया। मन में विकार भारी गयल वही पजिया के, दसमय दिन शनिवार वाली रतिया। साथियों एक ही बात की जिद करते करते उसके दिमाग में ये बात घर कर जाती है और परिवार में बोलना छोड़ दिया। लेकिन साहित्य का संजोग कब खराब हो जाए एक एक हो जानत ना मास्टर। परिवार का जो अनुराग सिंह के बेटी लड़की लड़का और औरत जो ना बाहर रहत है, 10 तारीख के शाम का घरे आए हैं। आ जब घरे आए हैं तब मौका का तलाश करत 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 वो देन आगल है। अपने परिवार के अजीत सिंह का कहना अपने मेहरारू लैकन के उनके मायके भेजवा दे और अपने पूरी तरह से खाली हो गई। भयल का मास्टर लेकिन टेरी में भाव है। मऊतिया के कर कहवा कब होई। अरे मऊतिया के कर कहवा के कर कहवा कब होई, रोक न पाई सामने काल खड़ा जब होई। कि करबा तू जतन केतनो भलाई
ज्ञान विधान विफल होई है बचना पैबा वह आफत से। साथियों केकर मौत कहाँ लिखल है ई हम आप तय ना कह सकल जला ई परमेश्वर ही तय करत हूँ। 10 मई के शाम को अनुराग सिंह का परिवार आगल है और अजीत सिंह का परिवार चल गल है। वही रात का योजना का बनावत हुआ मास्टर बिरहा में 1 करोड़ रस के तरह कुल गीत मास्टर बिरहा के कपारे पर कहे। अरे वाह, जब ले बिरहा गवाई तब ले कुल धुन गवात रहे। कैसे शनिवार वाले रात का वो अजीत सिंह करत का है। यहू नहीं जाने कैसे बीतिया हो, यहू नहीं जाने कैसे बीतिया हो, होत का शनिवार जब शनिदेव भैला सवार जहिया सुतल नींद में नहीं उठल परिवार कहिया कांपल नहीं रातन को वही रे कसैया का कांपल नहीं रातन को वही रे पूरा सना सार हो साथियों। रात को ही नींद नहीं आ रही है उसको और 2 बजे रात को उठ करके जो है कि अजीत सिंह घर की लाइट पूरी काट देता है और जब घर का पूरी लाइट कट गई तो घर में जो सोई स्त्रियां हैं महिलाएं हैं वो घर से बाहर आ जाती हैं
अनुराग सिंह की पत्नी जब घर से बाहर आई, अजीत सिंह वहां पहुंच करके जाकर के उनसे वार्तालाप करना शुरू करता है कि आखिर तुम लोग लोन का पैसा क्यों नहीं भर रहे हो। पत्नी कह रही है अनुराग सिंह की जो बात करनी है वो सुबह में हो जाएगी, लेकिन रात ये कौन सी बात करने का समय है। लेकिन बात मान नहीं रहा है, इसी में बगल में रखे हथौड़े से एक वार कर देता है और जब तक वो कुछ कह पाती उसके सिर में एक गोली मार देता है। जब गोली का आवाज घर में गूंजल है, ये गोली का आवाज सुन करके उठल के है अनुराग सिंह का माता जी सावित्री सिंह। जब उठ के बाहर अली है समझावत है कि बेटा के प्रति माई का ममता का होने, इतना के बावजूद वो माई कहते कि जायदे जौन कैले तौन कैले अभी यहाँ से भाग जो। लेकिन ओकरे सर पर तो जैसे भूत सवार है, दूसर की गोली जौन है तौन अपने खुद के मतारी आए है उसके सीने में ताक देता है और माँ भी वही छटपटा करके मर जाती है। और तीसरी बार घर का दरवाजा खोल करके पहुंचता कहाँ है, जहाँ अनुराग सिंह सोया है। अनुराग सिंह के सर में जाते जाते ही तुरंत एक गोली मारता है और अनुराग सिंह को जब मार दिया गोली तो ये आवाज सुन करके उनकी बड़ी बेटी आती है और जब देखता है कि बेटी देख ली है इस सब घटना को तो सर पे पाप सवार है मास्टर। चौथी गोली जो है कि बेटी को मारता है और उसके खोपड़ी से होते हुए वो गोली अनुराग सिंह के जबड़े में जाकर लग जाती है। इतना लोग यही खत्म हो गए, अब यही संतोष ना होते पतिया के। छोटा छोटा जो एक बेटी और एक बेटा है घिसरा करके ले जाके छत पर वही दूसरे तल्ला के मकान से नीचे फेंक देता है। जब नीचे फेंक देला सर आए है दोनों मासूम लड़का छटपटा थे। ई बात के बगल का उनकर चाचा जी देखना है और स्वयं आकर के इतना करने के बाद आकर के हल्ला करता है कि अनुराग सिंह ने अपने पूरे परिवार को मार दिया। जब गांवपुर के लोग जुटला है तो मास्टर अब वही दोनों लड़का लड़की छुटकन के सांस चलत है। जब चाबी गाड़ी का मंगाई है तो अजीत सिंह दहले से इनकार कर दे। छटपटा करके लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं, किसी और की गाड़ी लेकर के आए और दोनों बच्चों को मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं, लेकिन एक की सांस तो रास्ते में ही टूट गई और दूसरा जाकर के अस्पताल में दम तोड़ देता है। इस प्रकार से मास्टर साहब छह के छह परिवार के सदस्य एक ही दिन में एक ही घात में खत्म हो जाते हैं। पहपट में भाव लिखल मार सब खत्म हो गई अब पूरा आज परिवार वाला घर वाला सुना बाब। अरे खत्म हो गई अब पूरा आज परिवार वाला घर वाला सुना बाब। देख के मंजर का पला ही अलवा घर वाला सुना बाब। हार गईल माई का ममता बनल बा नीच का साई हो। खिलखिलात बचवन का जिंदगी ले ले हलस खुद का भाई हो। अरे दिया जिंदगी हो गयल चहरवा घरवा सुना बा। सिंदूर साथे उजर गयल अचरवा घरवा सुना बा। छह की छह लाशों को वही सुलाया गया है साथियों। किसी ने पुलिस को खबर कर दी, पुलिस आती है और सारी घटना की शिनाख्त करती है और शिनाख्त करके चार लोगों को तुरंत लाश जलाने का आदेश दे देती है, लेकिन अनुराग सिंह और उनकी माता जी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। एक धन का लोभी एक ही झटके में अपने ही परिवार को खत्म कर दिया। आल्हा में भाव मास्टर साहब।
साथियों, जो अनुराग सिंह का साला है उसके कहने पर क्रास रिपोर्ट हुई पुलिस थाने में, और जब क्रास रिपोर्ट हुई तो परिवार के अजीत सिंह को पुलिस पकड़ करके ले जाती है। दो दिन बीतते बीतते जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पुलिस की शंका अजीत सिंह पर ज़्यादा गहराने लगी। बुला करके 48 घंटे तक नहीं सोने दिया अजीत सिंह को, और जब 48 घंटे नहीं सोने दिया तो स्वयं हार्ट का मरीज होने के नाते टूट गया, और टूट गया तो सारी बात बताने लगा शनिवार की रात वाले कि साहब, हम ही धन के चक्कर में अपने पूरे परिवार के एक के बाद एक कई के हत्या कर दहले, और सबके गुमराह करे बदे हम ही उतर के नीचे घर से बाहर आके हल्ला कैले। साथियों, पूरी दुनिया में धन का फरेबी बनने वाला अजीत सिंह अपने परिवार को नस्तनाबूत कर दिया, आज पुलिस के हालात में है। लेकिन दुनिया से कहना है, क्या कहना है मास्टर? लुट गयल दुनिया में सोना चांदी हीरवा, उजरल बगिया जवन फिर से सजाई घरवा, यो यो
खत्म हो गयल एक सजल परिवार हो पर अफसोस खाली दुनिया जवार हो एक संग चढ़ल छमूर्ति पहरवा उजरल बगिया जवन फिर से के सजाई घरवा। अरे दुनिया वालों जिस प्रतिमान जिस संपत्ति के ऊपर तुम घमंड कर रहे हो इसको परमपिता परमेश्वर ने कुछ ही दिनों के लिए हमें आपको सौंपा है। प्रेम भाव से रह करके अपनी जिंदगी पूरी कर लो, एक दिन इस धराधाम को छोड़कर सबको जाना है। धन का फरे भी मत बनो, कहना है मास्टर धन खातिर अपने में बढ़ावा जा निरार हो जाए के बाद सबके एक दिन छोड़ के संसार हो प्रेम भाव से लगे हैं सब कर नैया परवा उधरल बगिया जवन फिर से के सजाई घरवा। इसीलिए मैंने कहा था साथियों कि दुनिया में धन बहुत कुछ है लेकिन ऐ दुनिया वालों धन सब कुछ नहीं है। आखिरी लाइन हमारे सर साहब कि गुरु विहार गुरु गणेश माया में विलीन हो चंद्रिका के बिना प्यारे लाल भय अधीन हो मौतिया के कर कहवा कब होली निर्जु सुशील कवि का लिखल हो किस्मतिया मौतिया के कर कहवा कब होली।